अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को मेरे चैनल वीरा फार्म हाउस पे खुश आमदीद कहता हूँ। सो फ्रेंड, बहुत उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड, बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो सोचा कि आज जो एक नई वीडियो अपलोड कर दूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और अपने फार्म के बारे में कुछ मतलब अपडेट दे सकूँ। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है मेरे मतलब जो मैंने आपको कहा था ना कि जितनी फीमेल है जितनी भी बच्चे देंगे मैं उसके बारे में आपको अपडेट करूँगा और मतलब अपडेट वीडियो बना के बताऊंगा मतलब। सो फ्रेंड, ये दो फीमेल जो है इसका जो मैंने वीडियो बनाई थी और उसका इसके तो बच्चे, लेकिन इस फीमेल को फिर जिस दिन इसने बच्ची दी थी उसको फिर उस दिन मोशन लग गया, जिसकी वजह से ये बहुत कमज़ोर हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैं ट्रीटमेंट कर सका और ये बच गई, लेकिन इसके जो बच्चे हैं वो फिर मर गए। और आज जिस फीमेल ने बच्ची दी है मैं पहले आपको वो बच्ची दिखाता हूँ और फिर दूसरी डिटेल। आज हमारी ये जो फीमेल नंबर 6 है उसने बच्ची दिए थे, मैं आपको पहले बच्ची दिखाता हूँ। फ्रेंड, आप ये देख सकते हो मैंने इसको इसके लिए केले रखे सबके लिए, क्योंकि रैबिट के लिए मतलब डेली बेस पे एक केला ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब इसके जो मोशन की बीमारी होती है ना वो थोड़ी कंट्रोल हो जाती है और वो सेफ़ रहते हैं। और रैबिट में सबसे ख़तरनाक बीमारी मोशन की बीमारी है। तो मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, आप ये देख सकते हो, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह 5 बनीज है, ये तो बहुत छोटे होते हैं पहले, लेकिन मैं इसको फिर डांग देता हूँ। सो फ्रेंड, ये इस फीमेल के बच्चे हैं और ये इन्होंने 16 दिसंबर को दिए थे, आज 17 दिसंबर है तो ये एक दिन की कंप्लीट है, तो मैंने आपको वीडियो दिखा दी। उसके बाद ये मेल है, वो भी मेल है, और ये फीमेल नंबर 1, फीमेल नंबर 2, और इस फीमेल ने भी मैं आपको दिखा दूँ अपने लिए नेस्टिंग बना ली है, अपने बाल कुछ उतारे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में, उम्मीद है कि आज या कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी बच्चे देंगी। और इसके लिए भी मैंने केले रखे हैं ताकि मतलब वो ठीक, कोई बीमारी ना हो इसको। और इसके बाद मैं आपको पहले वाले बच्चे दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह आप देख सकते हो, ये आज 14 दिसंबर को दी थी, आज 13 दिन के हो गए। माशाल्लाह बहुत क्यूट क्यूट है, छोटे छोटे। और इन्होंने अभी इसने तो आंखें नहीं खोली, लेकिन वो दूसरा है उसने आंखें खोल दी है मेरे ख्याल में। माशाल्लाह इन्होंने आंखें खोल दी। माशाल्लाह ये बहुत क्यूट क्यूट होते हैं। सो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई मतलब किसी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ बात पूछनी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप का नंबर भी दूंगा और आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। सो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।